नमस्कार, मैं हूं कुलदीप गौतम और आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया न्यूज़ का जयपुर नगरी प्रोग्राम। चलिए बता दें कि आज हम आपके लिए जयपुर नगरी प्रोग्राम में लेकर आए हैं हर बार की तरह कुछ खास। आज हम बात करने वाले हैं हवा महल के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे महल के रोचक तथ्य और महल का इतिहास। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हिंदू भगवान कृष्णा के मुकुट के रूप में ही लाल चंद उस्ताद ने इसे डिजाइन किया था। इस 5 मंजिला इमारत के बाहर समान आकार के शहद के छत्ते भी लगे हुए हैं और महल में 953 छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है, और इन झरोखों का बारीक कलाकृतियों से सजाया भी गया है। उस समय महिलाएं चेहरे पर जाली ढककर ही बाहर निकला करती थी और दैनिक जीवन का अवलोकन करती थी। उस समय महिलाओं को चेहरे पर पर्दा ढकना अनिवार्य था। कहा जाता है कि इन जालियों की मदद से उन्हें चेहरे को ठंडी हवा भी लगती थी और तपती धूप में भी उनका चेहरा ठंडा रहता था। पूरे 50 साल बाद 2006 में महल की मरम्मत की गई। इस समय इस स्मारक का मूल्य तकरीबन 4,568 मिलियन रुपए बताया गया था। वहां के कॉरपोरेट सेक्टर ने इस स्मारक की सुरक्षा का जिम्मा उठाया, लेकिन बाद में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने यह जिम्मा उठाया। हवा महल के प्रसिद्ध होने के बाद इसके कॉम्प्लेक्स को भी विकसित किया गया था। पर्यटकों को बहुत सी ऐतिहासिक चीजें हवा महल में देखने को मिलती हैं। महल में एक और आकर्षित करने वाली बात दीवार के मुड़े हुए किनारे हैं। जयपुर में बने दूसरे स्मारकों की तरह यह महल भी लाल और गुलाबी रंग के पत्थरों से बना हुआ है। आइए जानते हैं हवा महल की रोचक बातें। बिना किसी आधार के बना यह महल विश्व का सबसे ऊंचा महल है। हवा के सामने की तरफ कोई प्रवेश द्वार नहीं है। यदि आपको अंदर जाना है तो आपको पिछले भाग से जाना होगा। हवा महल में कुल 5 मंजिले हैं और आज भी यह महल सफलता से अपनी जगह पर 87 डिग्री के एंगल में खड़ा है। हवा महल पैलेस ऑफ विड्स के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल में कुल 5 मंजिले हैं। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं जो महल को ठंडा रखती हैं। जयपुर के सभी शाही लोग इस महल का उपयोग गर्मियों में आश्रय स्थल की तरह करते हैं। हवा महल को लाल चंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। यह महल विशेषत जयपुर की शाही महिलाओं के लिए बनवाया गया था। इस महल को बनाने का उद्देश्य शाही महिलाओं को बाजार और महल के बाहर हो रहे उत्सवों को दिखाना था। एकमात्र ऐसा महल है जो मुगल और राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है। यह महल बहुत से भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का पसंदीदा शूटिंग स्पॉट भी बना हुआ है। हवा महल में ऊपरी मंजिला में जाने के लिए केवल डालू रास्ता है। वहां ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल को बनवाया था। इसकी 5 मंजिले पिरामिड के आकार में बनी हुई हैं, जो उसकी ऊंचे आधार में 50 फीट बड़ी हैं। हवा महल की भगवान श्री कृष्ण के राज मुकुट के आकार का बनाया गया है। हवा महल के खिड़कियों की जाली चेहरे पर लगे पर्दे का काम करती है। हवा महल गुलाबी और लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया है। इसी के साथ देखते रहिएगा जयपुर नगरी।